नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कहानियों में। हमारी आज की कहानी रक्षाबंधन स्पेशल है। रक्षाबंधन स्पेशल एक हॉरर स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आएगी। आइए देर ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। पूर्वी नई नैनीताल में रहने आई थी। उसकी उम्र अभी 9 साल की थी। पूर्वी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पूर्वी का एडमिशन वहीं पास के स्कूल में करा दिया जाता है। स्कूल में सभी बच्चों को अलग अलग निबंध लिखने को दिया जाता है और पूर्वी को रक्षाबंधन के ऊपर। पूर्वी का कोई भाई या बहन नहीं था और स्कूल में भी वो अभी नई थी तो उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी, इसलिए उसे रक्षाबंधन पर निबंध लिखने में परेशानी हो रही थी। घर पर उसने अपनी मम्मी पापा दोनों से हेल्प मांगी, लेकिन मम्मी किचन में और पापा ऑफिस के कामों में बिजी होने के कारण किसी ने उसकी हेल्प नहीं की और स्कूल का अगला दिन भी आ गया। पूर्वी स्कूल के लिए निकलती है और इस निबंध के बारे में ही सोचती हुई जा रही थी। उसने हाथों में एक कॉपी पेंसिल भी ले रखी थी। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर आ गई है। तभी एक तेज रफ्तार कार से वो बस टकराने ही वाली थी कि एक 13 साल का लड़का उसे रोड से खींच कर साइड कर लेता है। पूर्वी चौंक जाती है। वो लड़का बोलता है, अरे तुम कहाँ खोई हुई हो, अभी तो कार वाला तुमको टक्कर मार देता। रोड से खींचने पर पूर्वी के हाथ में जो नोटबुक थी वो दूर जाकर गिरती है। उसको वो लड़का उठा कर लाता है और उस नोटबुक पर वही रक्षाबंधन वाला पेज खुला होता है जिस पर सिर्फ हेडलाइन लिखी होती है, रक्षाबंधन, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखा होता। वो नोटबुक पूर्वी को देता है। उस खुले पेज को देखकर पूर्वी रोने लगती है। वो लड़का बोलता है, तुम रो क्यों रही हो। तो पूर्वी उसे बताती है, आज क्लास में नोटबुक सबमिट करनी है और मुझे रक्षाबंधन के बारे में कुछ भी नहीं पता जिस पर मैं निबंध लिख सकूं। वो लड़का बोलता है, ओ ये बात है, लाओ मैं तुम्हारी मदद करूं। और वो पूर्वी को निबंध लिखाने में उसकी मदद कर देता है और चला जाता है। निबंध पूरा हो जाने की खुशी में पूर्वी उसका नाम पूछना ही भूल जाती है और उसे थैंक यू कहना भी भूल जाती है। तब तक वो लड़का जैसे अचानक आया था और वैसे ही अचानक गायब हो जाता है। पूर्वी भी अपने स्कूल के लिए चली जाती है, इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। घर पहुंचकर ये सारी बातें पूर्वी अपनी मम्मी पापा को बताती है, लेकिन वो दोनों अपने अपने कामों में बिजी होने के कारण उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते। इससे पूर्वी को बहुत बुरा लगता है, जिससे उसे रोना आ जाता है और वो रोते हुए घर के नीचे बने पार्क में बैठकर रोने लगती है। तभी एक लड़का उसके साइड में आकर बैठता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, आज फिर से कोई नया निबंध लिखने को दिया है क्या। पूर्वी उसकी तरफ देखती है तो वो लड़का सुबह वाला ही था। वो उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वो लड़का उसे रुमाल देता है और अपने आंसू पोंछ लो ये कहता है, रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। पूर्वी उसे थैंक यू बोलती है सुबह के लिए और काफ़ी देर तक दोनों बातें करते रहते हैं। पूर्वी कहती है, आपका नाम क्या है। वो लड़का अपना नाम मिलन बताता है और फ्लैट नंबर 18 में रहता है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। पूर्वी बोलती है, मेरा नाम पूर्वी है पर मुझे अपने घर का पता नहीं पता। इससे मिलन बोलता है, कोई बात नहीं पर घर का रास्ता तो पता है, जाओ बहुत देर हो गई है और शाम भी होने वाली है। पूर्वी बेंच से उठकर उस लड़के को बाय बोल कर चली जाती है। लेकिन पूर्वी जैसे ही घर पहुंचती है, घर की सीढ़ियों पर उसकी मम्मी बेहोश पड़ी होती है और उनके सर पर भी चोट आई हुई होती है। पूर्वी ये देख कर रोने लगती है। तभी पूर्वी की माँ को होश आ जाता है। वो पूर्वी से उनका फ़ोन लाने को कहती है। पूर्वी जल्दी से अपनी माँ का फ़ोन ला कर देती है। पूर्वी की माँ पूर्वी के पापा को फ़ोन लगाकर बुला लेती है। पूर्वी के पापा जल्दी से आकर
उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। थोड़ा ठीक होने पर वो पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो पूर्वी की माँ बोलती है, मिलन आया था और उसी ने मुझे सीढ़ियों से। पूर्वी की माँ भी अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाई थी कि पूर्वी बोलती है, मिलन आया था। पूर्वी के मुंह से मिलन का नाम सुनकर उसके माता पिता चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम मिलन को कैसे जानती हो? तब पूर्वी बताती है कि एक लड़का उससे रोज मिलता है और हमेशा स्कूल के कपड़ों में ही होता है। पूर्वी जैसे जैसे मिलन के बारे में अपने माता पिता को बताती है, वो डरने लग जाते हैं। पूर्वी की माँ डरती जा रही थी और बहुत तेज रोने लगती है। पूर्वी की तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मिलन का नाम सुनते ही उसके माता पिता रोने क्यों लगे। पूर्वी ने अपने माता पिता से पूछा, आखिर बात क्या है, आप लोग मिलन के नाम जानते ही रोने क्यों लगे, और माँ आपको मिलन ने धक्का क्यों दिया? तब पूर्वी की माँ रोते हुए बताती है, आज से 4 साल पहले मिलन और तुम बाजार जा रहे थे। तुम दोनों ही स्कूल ड्रेस में थे, रक्षाबंधन आने वाला था, उसी के लिए तुम लोग बाजार जा रहे थे। तभी तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया, तुम दोनों को बहुत चोट आई जिससे मिलन की मौके पर ही मौत हो गई, और तुम्हारे सर पर गहरी चोट आई थी जिससे तुम सब कुछ भूल गई, और डॉक्टर ने तुम्हारी मेमोरी पर ज़्यादा जोर देने को मना कर दिया, और हम तुम्हें यहाँ नैनीताल ले आए क्योंकि तुम्हारी मेमोरी पर ज़्यादा जोर देने पर इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था, इसलिए आज तक तुमको मिलन के बारे में कुछ नहीं बताया। मिलन तुमसे बहुत प्यार करता था, उसने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देगा। तुम हमारी लापरवाही की वजह से ही तुम्हारी आंखों में आंसू आए, इसलिए मिलन ने मुझे धक्का दे दिया। इतना सब कुछ जानने के बाद पूर्वी को एक झटका सा लगा और उसकी आंखों से आंसू आने लगे, और तभी अचानक से उसे मिलन हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर खड़ा दिखाई दिया, और पूर्वी को मिलन दिखते ही सब कुछ याद आ गया। इससे पहले वो खिड़की की तरफ इशारा करके मिलन को अपने माता पिता को दिखाती, मिलन धीरे धीरे करके गायब हो गया और फिर कभी वो पूर्वी को नहीं दिखा। अब पूर्वी हर रक्षाबंधन को मिलन के लिए राखी जरूर लेती है और उसे किसी भी मंदिर में जाकर रखाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इमोशनल सी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को अपना